वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आप बिहाई बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक। आज इंग्लिश में हम पोयम 5 का पार्ट 2 इसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड का महाकाव्य, ठीक। इसी कुछ स्टैंजा रह गए थे, इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए बिहाई बुक से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टैंजा 9। Then she took a tiny square of a dove and rolled, and the rolled it in flat and wrapped in thin as a wafer, but she couldn't part with that. ये हुआ स्टेंजा 9। फिर उसने गुथे हुए मैदे से एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसने एक वेफर के समान पतला पकाया, किंतु वह उसे बिछोड़ना नहीं चाहती थी। स्टैंड द टाइम फॉर शी शेड माय केक दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम मायसेल्फ आई एट टू लार्ज टू गिव अवे सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। क्योंकि उसने कहा मेरे केक जो बहुत छोटे दिखते हैं वो बनाती थी यानी जब और मैं उसे को स्वयं खाती हूँ, वह किसी को देने के लिए बहुत बड़े हैं, इसलिए उसने उसे फिर से एक शेल्फ यानी एक अलमारी में उस केक को छुपा के रख दिया। And he said, "You're far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm." मतलब उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही स्वार्थी हो और तुम मानव के रूप में जीने लायक नहीं हो। तुम्हारे पास भोजन और आश्रय तो है, लेकिन और तुम्हें गर्म रखने को आग भी है। स्टैंड बाय नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय ब्रोइंग एंड बोर ऑल डे इन द हैंड ड्राई वुड। अब तुम उसी तरह घोंसले बनाओगे जैसे पक्षी बनाते हैं और सारा दिन सख्त सूखी लकड़ी में छेद पर छेद करके रहने के बाद भी तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिलेगा। स्टैंड 13 शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वेयर बर्न Black as a coal in the flame. तो अब फिर वह चिमनी में से बिना बोले कोई शब्द निकला और चिमनी के ऊपर एक कट फोड़वा निकला, क्योंकि वह एक पक्षी में बदल गई थी। Stanza 14. And every country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day boring and boring for food. अब उसके सिर पे एक सिर पर एक सिंदूरी रंग की टोपी थी और उसने ऐसे ही छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाकी सभी कपड़े जलकर कोयले के समान काले हो गए थे और प्रत्येक देहाती स्कूल जाने वाले बालक जो है स्कूल बॉय, ठीक, उसने उन्हें वन में देखा जहां आज वह वृक्षों में रहती है, भोजन के लिए वृक्षों में छेद करती है। क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री और कंट्रीज।
her school. यानी Northland से किस देश व देशों का क्या मतलब है? Answer: It is a country in the extreme north. Days are short and nights are very long time. मतलब ये उत्तर में है, नॉर्थ का होगा उत्तर दिशा है ना, तो ये जो देश है Northland ये कहाँ है? उत्तर में है और वहां पे दिन क्या है? छोटे होते हैं और रातें वेरी लॉन्ग यानी बहुत लंबी है ना, लंबी होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? व्हाट वाज लेडीज रिएक्शन? मतलब कि सेंट पीटर ने वृद्धा से क्या मांगा और वृद्धा की क्या प्रतिक्रिया थी? आंसर: सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ सिंगल केक। शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट इट लुक्ड बिगर सो शी रिड्यूस्ड इट साइज अगेन एंड अगेन। सेंट पीटर ने एक केक, सेंट पीटर ने क्या किया, वृद्धा से एक केक मांगा और उसने छोटी सी एक केक बनाई, वह उसे बड़ी लगी, उसने बार बार छोटी छोटी करके केक बनाना चाहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डिड ही पनिश हर, उसे कैसी सजा मिली? ही पनिश्ड हर बाय चेंजिंग हर इनटू अ वुड पीकर। यानी उसको उन्होंने एक कठफोड़वा पक्षी के रूप में बदलकर उसको सजा मिली। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डज द वुड पीकर गेट हर फूड, जो कठफोड़वा है वो अपना भोजन कैसे पाता है? ये पक्षी का नाम है, ठीक है, इसका नाम क्या है? कठफोड़वा है। ठीक है, इसको वुड पीकर बोलते हैं। द वुड पीकर goes on boring into dry and hardwood, only then it gets little food. ठीक, वो कैसे पाता है? कठफोड़वा कठोर लकड़ी में छेद क्या करता है, बार बार अपनी चोंच से करता है, वहीं से थोड़ा सा भोजन मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज अ लीजेंड, व्हाई इज दिस पोयम कॉल्ड अ लीजेंड? व्हाट इज अ लीजेंड, यानी ये कविता लीजेंड क्या होता है, ये कविता किस प्रकार का लीजेंड है? आंसर: अ लीजेंड इज ओल्ड स्टोरी हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट, इट इज एन ओल्ड स्टोरी ऑफ द नॉर्थलैंड, द पोएट हिमसेल्फ सेज आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। ठीक, काव्य जो है नॉर्थलैंड का एक प्राचीन कहानी है जो अतीत से आया है, यानी पास्ट से आया है। कवि स्वयं कहता है कि मैं विश्वास नहीं करता कि ये सत्य भी हो सकता है। चलिए डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे। HARNESS, हार्नेस, हार्नेस का मतलब काम में लेना। नेक्स्ट है SWIFT, कहलाता है स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब होता है क्विक या तेज, QUICK यानी होता है तेज। नेक्स्ट है CURIOUS, क्यूरियस, यानी होता है अजीब। नेक्स्ट है HEARTH, होता है हर्ट, हर्ट का होता है भट्टी। नेक्स्ट है KNEADED, मतलब होता है नीडेड, नीडेड का अर्थ होता है आटा गूंथना। नेक्स्ट है DOUGH, यानी होता है डो, डो का अर्थ होता है लोई, डो का अर्थ होता है लोई।
फिर है पी आर ओ बी ओ के ई, प्रोवोक क्या होता है, भड़काना। नेक्स्ट है डी डब्ल्यू ई डबल एल, होता है ड्वेल, ड्वेल का अर्थ होता है रहना, टू स्टे। नेक्स्ट है एस ई ए एन टी वाई, इसका अर्थ होता है सिकेंटी, सिकेंटी का अर्थ होता है मात्रा में बहुत कम, मात्रा कम, कम मात्रा में होना। नेक्स्ट है एस सी ए आर एल ई टी, होता है स्कॉलेट, स्कॉलेट सिंदूरी रंग। नेक्स्ट है एल ई जी जी ई एन डी, लेजन, लेजन होता है प्राचीन कथा, काव्य कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। आपको आज के कविता में जो आपको स्टेंजा पढ़ाया गया उसका अर्थ बताया गया, आप उसको अच्छे से लिखेंगे कापी में और डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग भी लिखेंगे और उसकी एक एक वर्ड्स मीनिंग की 5-5 बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और स्पेलिंग पे जरूर ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच।